नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। कलेक्टर सूफिया फारूकी वल्ली ने जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यक्ति समाज में जीवन बिताने के बाद जो चाहे बन जाए, लेकिन यदि वो समाज में किसी भी प्रकार का योगदान ना करे तो उसका जीवन बेकार है। वहीं दिव्यांग बच्चों ने कलेक्टर का गुलदस्तों से स्वागत किया। इस दौरान रोटरी क्लब मंडला में कल अध्यक्ष पंकज मोदी, सचिव संजय तिवारी सहित इनविल सदस्यों के साथ पूरा परिवार मौजूद था। आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। 1 सितंबर से बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 73.50 रुपए और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 7.23 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में सब्सिडी के साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत 489.77 रुपए से बढ़कर 487.18 रुपए हो गई है। प्याज कीमतों में तेजी को लेकर चिंतित सरकार ने कहा है कि इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा मिस्र से 2400 टन प्याज का आयात किया गया है। सरकार ने संकेत दिया है कि यदि कीमतें अधिक बढ़ती हैं तो और भी आयात की व्यवस्था की जा सकती है। अडानी समूह वायुसेना के लिए एक इंजन वाले लड़ाकू विमान बनाएगा। इसके लिए भारतीय कंपनी ने स्वीडन की रक्षा फर्म साब के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत दोनों कंपनियां लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य रक्षा उत्पादों का भी निर्माण करेंगी। इसके लिए दोनों ने अरबों डॉलर के निवेश का फैसला किया है। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि वो जिस पद पर आए हैं वो किसी भी अर्थशास्त्री का एक सपना होता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया की तर्ज पर टीम नीति बनाकर आयोग में चल रहे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने सैनिकों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल किराए में 50% की छूट की घोषणा की है। एयरलाइन ने बताया है कि ये सुविधा सेवारत सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए होगी। इसके अलावा यात्रा के समय 60 साल की उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी इस छूट का लाभ उठा सकेंगे, जबकि छात्रों के लिए उम्र सीमा 12 से 26 साल रखी गई है। जीएसटी लागू होने के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। जीएसटी में आम जरूरत की कई वस्तुओं के दाम कम हुए, लेकिन उपभोक्ता पुराने दामों पर चीज खरीदने को मजबूर हैं। इसका सीधा फायदा कंपनियों को हो रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद 50,000 में से सिर्फ 15 कंपनियों ने ही दाम घटाए हैं। बैंकों से कर्ज लेकर लौटाने का नाम नहीं ले रहे उद्योग घरानों को वित्त मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी दी है। जेटली ने कहा है कि अगर वे बैंकों का फंसा कर्ज वापस नहीं करते हैं तो उन्हें कर्ज लेने वाली कंपनी का प्रबंधन किसी और को सौंप देना चाहिए। रिलायंस रिटेल की जियोफाई लगातार साल 2017 की दूसरी तिमाही में डेटा कार्ड सेगमेंट में सबसे आगे रहा। इस दौरान कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 91% रही, जबकि हुआवेई की बाजार की हिस्सेदारी सिमट कर 3% रह गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर हरदोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके बाद से अब बैंक से जुड़े लेन देन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। आरबीआई ने ये उक्त कार्रवाई बैंक के वित्तीय नियमों के उल्लंघन के बाद की है। व्यापार से जुड़े खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।